हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं पाव भाजी। पाव तो मैं घर पे नहीं ना बनाऊंगी, पाव तो खरीद के लाई हूँ, ये भाजी बनाऊंगी। तो भाजी के देखिए, मैंने इतना गोभी काट लिया है, इतना आलू काट लिया है, दो दो बड़े बड़े आलू काटे हैं, दो नहीं चार आलू। और देखिए, धनिया पत्ता इतना लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, इतना लहसुन लिया है, मिर्ची और तीन टमाटर लिया है। तो और आपको जब सब्जी और है, शिमला मिर्च, टमाटर, तो मेरे पास कोई सब्जी नहीं था। शिमला मिर्च डालना जरूरी होता है, अच्छा लगता है, और मटर सब तो मेरे पास तो नहीं था, तो मैं टमाटर डाल रही हूँ और आलू गोभी ये सब डाल रही हूँ। तो चलिए, सबको पहले दोनों को उबालना है, फिर उबाल के और फिर इसको पीसूँगी, तो आपको दिखाऊँगी कुछ अलग अंदाज में। इसमें क्या आप मतलब पूछना नहीं पड़ेगा, तो मैं पीस लेंगे तो हो जाएगा, तो मैं पीस के बनाती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कैसे ना। चलते पहले उबाल लेते हैं, तो चढ़ाती हूँ रोटी उबाल के। अच्छा, मैं आपको उबाल के दिखाती हूँ। डाल दिया है, इसमें थोड़ा नमक डालने वाली हूँ, तो नमक डाल दी। अब मैं इसके अंदर आलू गोभी जो भी सब, ठीक है, फिर मैं इसको उबाल रही हूँ। आलू गोभी देखी उबलने दे दी, फिर नमक डाल दी थी और पानी। अब इसको सीझने पर, जब तक सीझे नहीं तब तक इसको उबालना है। तो देखिए, नहीं सीझा है, थोड़ी देर में सीझ जाएगा, उबल जाएगा। फिर इसको निकाल के फिर इसको मिक्सी में सबको पीस देंगे। और देखिए, मैंने इधर टमाटर था ऐसा काट लिया, इस तरह ऊंचे बस नहीं, पूरा गोल टमाटर नहीं पीसा था, उसमें काट के पीसना पड़ता है। और देखिए, प्याज भी मैंने काटे हैं, लहसुन मिर्ची सब काट लिया, और मैंने पत्थर पता नहीं पीसना है, इसको ऊपर से डालना है। ये तीनों को पीसना है, चारों को, और इसको पीसना है। तो आपके पास अगर वो पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे पास नहीं है। तो मैं पहले, मेरे पास वो फल का था, उखली फल बोलते हैं ना, उखली गाँव में, तो उसमें हम लोग कूटते थे, उसी से हम लोग पीसते थे। लेकिन अब से मिक्सर मशीन है, तो बात क्या है, तो अलग अंदाज है। मिक्सर मशीन पीस के आराम से बन जाए, कूटने को जरूरत नहीं है पीस पाच करने की। तो मैं उसे पीस के बनाती हूँ, तो मैं इसमें अब डालूंगी, जब तक इसको पीसने जा रही हूँ, बाद में फिर इसको पीसूंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है इसे ऐसे कूटने की, कूटने की नहीं, कूटने की। तो पीस के डायरेक्ट उसमें बन जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो चलते हैं, इसको पीसते हैं, फिर पीस के मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने पीस लिया है आलू गोभी, देखिए पीस लिया है, ये लहसुन मिर्ची प्याज मेरे पत्ता, इसमें देखिए टमाटर, मैंने सब कुछ पीस लिया। अब इसमें तेल डालेंगे, और देखिए ये पालक पानी जो मैंने उबाला था वो रखा है निकाल के। फिर इसमें अब ऑयल डालेंगे, मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, मीठा ऑयल, तो मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें कुछ जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसके अंदर डायरेक्ट ये डालना है। तो चलते हैं इसके साथ, बहुत आवाज़ आने वाली है इसमें, ये गर्म हो चुका है लग रहा है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें डाल दिया, मिला के भून के आपको दिखाऊंगी, फिर इसको डालूंगी, नहीं पहले इसको भून के फिर इसमें मसाला डालूंगी, नमक हल्दी सब कुछ इसमें डालना है, मसाला सब डाल के। और फिर पाव भाजी सब इसमें डालना है, फिर टमाटर वही वाला डालूंगी, फिर आलू डालूंगी, तो आपको दिखाऊंगी, फिर आपको भूनने देते हैं। देखिए, मैंने टमाटर का प्यूरी डाल दिया है, इसको मिलाना, इसको डालूंगी मसाला सब, धनिया हल्दी सब कुछ डालने हैं, धनिया हल्दी और ये है पाव भाजी मसाला, सबको मिक्स करना है। पाव भाजी मसाला धनिया डाल डालना है, फिर बाद में पूरा बन जाएगा। पानी डाल दूंगी, घी डाल के, पानी डाल के, तो बाद में उसको पाव भाजी मसाला डालना है, मिर्ची पकड़ डालना है, सो रहा है। देते हैं, फिर इसको डालेंगे, पानी है, ये
डाल रही है इसके अंदर। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब वो पोजे उतने इसको पीसने का मिक्स करने का कुछ नहीं, अब पोजे उतने पीसने में ही फायदा आपका हाथ दर्द नहीं करेगा। पीस लीजिए, उसमें क्या होता है कुट कुट के हाथ दर्द होने। चलते से पानी डालती हूँ। ऐसे पानी डाल दिया है, ये पूरा घोर हो चुका है ना, पूरी थी ना पीसने की जरूरत कर रहे थे कुछ नहीं की। ऐसे ही मेस हो जाता है पीसने के बाद, मेस में जरूरत नहीं। हम इसको थोड़ा खोलने लगेगा तो इतना नहीं गर्म मसाला, सॉरी ये पाव भाजी मसाला मैंने इसमें रखा है निकाल के, तो इतना डाल देती हूँ। और मैंने पहले डाला है और अभी डाल देंगे धनिया पत्ता। ये देखिए हमारा तैयार है पाव भाजी। अब रहने देते हैं खोलने तक, जब पाव को गर्म करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए पाव, तावा, अंगूठा, तेल और एक चक्कू। तो चलते हैं, ये तो हमारा बन चुका है। ये हमारा पाव है, इसको बीच से इसको काटना है, बीच से तक काट के दिखाते हैं। ये मीठा हो, देखिए मैंने तावा चढ़ा दिया है। चलते पहले पाव को काट लेते हैं बीच से। तो देखिए मैंने सारे पाव को काट, तेल डाल के फिर मैं ऐसे ऐसे करना है तावे पे, मसाले के बीच में इसको थोड़ा तेल कुरकुरा ऐसा दोनों साइड दे देते। मैं दोनों साइड दे दिया, इसको सब करेंगे। देखिए मैंने सब पाव पर गर्म हो चुका है और देखिए कितना अच्छा कुरकुरा हो चुका है। तो चलते हैं अब सब करते हैं, फिर सब करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा पाव भाजी तैयार है। देखिए हमारा पाव भाजी तोड़ के फिर खाएंगे। तो आइए आप लोग भी खाइए और इस तरह बनाए सिंपल तरीके से। कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं मतलब कूटने की, कोई मसलने की कोई चीज़ से। तो हम लोग इस तरह पीस के आप मिर्चा मसाले पीस के आप बना सकते हैं। जल्दी बन जाएगा, कोई झंझट नहीं है कुछ काज करने की। आप इसे बना के खाइएगा। चलती हूँ मैं खाने के लिए।